जिस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने वो युद्ध की पाती, वो चक्रव्यूह का न्योता जब सबके सामने वो पत्री पढ़ी तो बहुत चिंता में छा जाते हैं। इसी समय पारथ नंदन अभिमन्यु आते हैं और महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं, दादा आज आप सोच में क्यों बैठे हैं, युद्ध के क्या समाचार हैं, बताओ ना। युद्ध के समाचार बेटा अच्छे नहीं हैं, लेकिन तुम्हें इससे क्या मतलब। मतलब क्यों नहीं है दादा, दुश्मन ललकारे और मैं खड़ा देखता रहूं, यह कैसे हो सकता है। ठीक कहते हो बेटा, जब आज तुम्हारे पिता घर पर नहीं है तो कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की है और हमको युद्ध के लिए ललकारा है। चिंता की बात बेटा यह है कि हम में से चक्रव्यूह भेदन की विद्या तुम्हारे पिता के अलावा और कोई नहीं जानता है। बेटा इस बात का सोच है, मैं बहुत बेचैन हूं। आज उनके न्योता, आज उनके युद्ध के न्योता को हम स्वीकार कर लें अथवा अपनी हार स्वीकार कर लें, दोनों में से एक ही बात होगी। बेटा चिंता मत करो दादा, चक्रव्यूह मैं तोड़ के दिखाऊंगा, मैं तोड़ूंगा दादा, चक्रव्यूह मैं तोड़ दूंगा, आप चिंता क्यों करते हैं। अभिमन्यु कहता है, अरे चक्रव्यूह अरे तोड़ी हो जाई सो चक्रव्यूह तोड़ी हो, अरे हे हे तोड़ी हो जाई सो चक्रव्यूह, हे हे तोड़ी हो जाई सो चक्रव्यूह तोड़ी हो जाई है। चक्रव्यूह तोड़ी हो जाई, अरे सुनो दधा चितलाई, और उसे द्वारे हम ऐसे तोड़े जो कमल बेली गज, आहारे दे गिराई सो चक्रव्यूह तोड़ी हो, अरे हे हे द्वार सात में की चिंता है, अरे सुनो दादा चितलाई, और उत्तल ठों की भी मायों बोलो सातों दी हैं, अरे हार गदा से गिराई सो चक्रव्यूह तोड़ी हो, गदा से गिराई सो चक्रव्यूह तोड़ी हो जाई सो चक्रव्यूह तोड़ी हो जाई है। लेकिन बेटा ये चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या आखिर तुमने कहां से पाई। अरे चक्रव्यूह भेदन की विद्या कुमार कहां से पाई,
से एक अरे हा हा पे सलाई जाई सो चक्रव्यूह बेटा, तुमने कभी युद्ध का मुंह नहीं देखा और आज इतनी हिम्मत, इतना साहस। हां दादा, मैं सत्य कहता हूं। अरे सत्य वचन, अरे कहता हूं दादा, फिकर देव बिसराई। अरे हमें दुहाई सो चाक